विधानसभा क्षेत्र के सलगाडी में खूंटी लोकसभा के 3 विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व सांसद कड़िया मुंडा और जेबी तुबीत समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी ने देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बनी थी, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से कार्यकर्ताओं के मिलने जुलने का अवसर बनता है और संगठन मजबूत होता है। वहीं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को तानाशाह बताते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए, साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी समझे। नहीं करता हूं, लेकिन आज जो सामान्य काम लोगों के पास है, जहां लोगों को जरूरतें पड़ती है, चाहे वो छोटी छोटी आए अवश्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यहां तक कि लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा से आज काम नहीं होता है। हमारी आस्था और विश्वास है, कई बार जब भी कोई इस तरह का अवसर आता है तो हम मां से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो गणेश महाराज जी ने कहा कि हमने मने मन माता से मन्नत किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उनके साथ उस तरह की स्थिति उन्होंने देखा नहीं है, होगा तो है ही नहीं, देखा भी नहीं होगा, इसलिए सामने मांगने के लिए कठिनाई हो रही है आज।